अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNN डिजिटल मीडिया में खुश आमदीद। सहर अंगेज आवाज की मालिक नाज़िया हसन को बड़े सगीर में पॉप मौसीकी के बानियों में शुमार किया जाता है। नाज़िया हसन 3 अप्रैल 1965 में कराची में पैदा हुई। 1980 में 15 साल की उम्र में उस वक्त शोहरत की बुलंदियों तक पहुंची जब उन्होंने भारतीय फिल्म कुर्बानी का गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए गुनगुनाया। इस गाने की शोहरत के बाद नाज़िया हसन ने गीतों के कई एल्बम अपने भाई सुहेब हसन के साथ जारी किए। नाज़िया हसन की अपने से 1.5 साल छोटे भाई सुहेब के साथ खूब बनती थी। सुहेब हसन नाज़िया को अपनी माँ कहते थे क्योंकि वो बहुत ख्याल रखती थी। नाज़िया हसन ने 1995 में मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी की। नाज़िया हसन साल 2000 में वफात पा गई थी। नाज़िया का एक बेटा भी है। गुलूकारा नाज़िया हसन के शोहर इश्तियाक बेग ने अहलिया के भाई सुहेब हसन के खिलाफ लंदन में हत्के इज्जत का मुकदमा दर्ज कर दिया है। नाज़िया हसन के शोहर इश्तियाक बेग का कहना है कि अहलिया के भाई सुहेब हसन की जानिब से उन पर संगीन इल्जाम लगाए गए जिसकी वजह से उनकी साख मजरूह हुई और उन्हें नफरत अंगेजी का सामना करना पड़ा। 1.5 वर्ष कबल सुहेब हसन ने बहन नाज़िया हसन की 21वीं बरसी के मौके पर अपने बहनोई पर नाज़िया की मौत से मुतालिक जहर देकर मारने के संगीन इल्जाम लगाए थे, जबकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नाज़िया हसन के जिस्म से जहर के शवाहिद नहीं मिले थे, जबकि सुहेब हसन ने नाज़िया की मौत को गैर फितरी करार दिया था। अहम गुलूकारा के शोहर इश्तियाक बेग कई मरतबा सुहेब हसन की जानिब से लगाए गए इल्जाम की तरदीद कर चुके हैं। इश्तियाक बेग इससे कबल भी गुज़िश्ता बरस सिंध हाईकोर्ट में सुहेब हसन के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा दायर कर चुके हैं। याद रहे की नाज़िया हसन लंबे अरसे तक कैंसर में मुब्तला रहने के बाद 2000 में वफात पा गई थी। नाज़िया के इंतकाल से मुतालिक बरतानवी हुकाम का डेथ सर्टिफिकेट भी मौजूद है।